हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में मेरे चैनल में, और मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोलियस की कटिंग आप कैसे लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी रूटिंग हार्मोन के। कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस नॉर्मल मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप जिससे इसको लगाकर जो है बहुत सारी कटिंग तैयार कर सकते हैं एक ही पौधे से। आपको जितने कलर चाहिए, आप चाहे जहाँ से उसकी एक ब्रांच ले आइए और उसकी शाखा ले आइए, उससे आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, 8 से 10 दिन में अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कटिंग लगानी है। दोस्तों, ये देखिए, ये जो कोलियस हमारे पास रखा हुआ है, इसको घना कैसे करते हैं उसका भी वीडियो हम जल्दी आपको लेकर आएँगे। और इसके लिए देखिए, ये कटिंग लगाने के लिए हमने इस टाइप की ट्रे ली है, इसमें नीचे होल है, और ये देखिए लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबाई की ये है ट्रे, और इसमें अच्छे से होल बने हुए हैं, और इसमें हम इसको लगाएंगे कटिंग को, तो इसको निकालने में बहुत आसानी होती है। इसलिए देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो पौधा हमारा है उसकी हम कटिंग लेंगे। कटिंग लेने के लिए कोई शार्प चाकू या ब्लेड आप ले सकते हैं, और उससे आपको कटिंग करनी है। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा जंग लगा दिख रहा है, लेकिन ये छूटता नहीं है, और हमने इसको अच्छे से सैनिटाइज कर लिया है। और अब हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से 4 इंच लंबी जो है कटिंग लेंगे। जितनी भी कोलियस होती है उसकी आप कटिंग बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, ये इसमें कई सारी कटिंग बन जाएंगी, जितनी भी छोटी छोटी पतली दिख रही हैं ये सभी ग्रो हो जाती हैं। तो आपको कोई भी कटिंग जो है फेंकनी नहीं पड़ेगी, कितनी भी आप छोटी ले आइए वो भी लग जाती है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। कोई भी कटिंग हो, कैसी भी हो, आराम से लग जाती है। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको साफ़ कर लिया है, और जो पत्ते हैं इनको हम हटा लेंगे। नीचे की जहाँ से पत्ती निकली होती है, वहाँ से अगर आप कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है, वहाँ से जड़ें जल्दी बहुत जल्दी निकल आती हैं। और इसको नीचे शार्प कट करना है एकदम। ये देखिए, इस तरीके से हमने काट लिया है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो पतली वाली कटिंग है इनकी बस इस तरीके से पत्तियाँ हटा दीजिए, ऊपर की थोड़ी रख दीजिए, और 3 से 4 पत्ती रखें तो जल्दी ग्रो होती है। ज़्यादा पत्ती रखेंगे तो वो कटिंग ख़राब हो सकती है, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी एक भी कटिंग ख़राब नहीं होगी। दोस्तों, जितने भी कलर हमारे पास हैं हम सबकी कटिंग ले लेते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, इतनी सारी कटिंग हमने निकाल ली है और सभी की पत्तियां नीचे की हटा दी हैं। अब ये कटिंग लगाने के लिए एकदम तैयार हैं। हमें कोई भी रूटिंग हार्मोन पाउडर नहीं चाहिए। ये देखिए, पौधा पूरा हमने कट कर लिया है, और वो फिर से हो जाएगा अच्छा सा। तो ये देखिए, ये मिट्टी है, ये एकदम नॉर्मल मिट्टी लेनी है, इसमें कोई भी कंपोस्ट नहीं मिलाई है हमने, कुछ नहीं मिलाया है, बस इसको अच्छे से थोड़ा महीन कर लिया है, बारीक कर लिया है, बड़े ढेले इसमें नहीं रहने चाहिए। तो ये बहुत जल्दी कटिंग ग्रो होती है, और आप देखेंगे जो नीचे ट्रे के होल बने होते हैं, 7 से 8 दिन बाद ही इन होल से इनकी जड़ें दिखने लगती हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने इस तरीके से लगाया था और बहुत ही हेल्दी कटिंग ग्रो हुई थी, एक भी कटिंग ख़राब नहीं हुई थी। तो चलिए हम भर लेते हैं ट्रे को इस मिट्टी से। अब देखिए दोस्तों, हमने इसको भर लिया है अच्छे से, और भरने के बाद हम एक पेन की सहायता से यहाँ पर इस तरीके से होल कर लेंगे, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहराई के होल करेंगे। और होल करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी कटिंग है उसको कुछ भी बिना रूटिंग हार्मोन पाउडर के कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही यहाँ पर अच्छे से दबा देना है इस तरीके से रख के, और यहाँ पर हल्के हाथों से उंगलियों से दबा देना है इस तरीके से। तो ये हमारी कटिंग जो है वो अच्छे से लग चुकी है, और इसी तरीके से हम जितनी भी कटिंग हमारे पास है हम सबको लगा लेंगे। और लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, हमने सारी कटिंग जो है लगा ली है इस तरीके से, बहुत अच्छा लगता है देखते हुए भी। और ये देखिए कितनी सारी कटिंग हो गई हैं, 40 इसमें होल हैं, तो 40 कटिंग हमारी तैयार हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर हजारे की सहायता से आपको पानी देना है। पानी आपको प्रेशर से नहीं देना है, किसी पाइप की सहायता से नहीं देना है, क्योंकि ये मिट्टी जो है निकल जाएगी इसमें से। तो इसको मॉइस्ट रखना है बस आपको, जब भी आपको लगे कि ये सूख रहा है, मिट्टी इसकी सूख रही है, तो आप पानी इसमें स्प्रे कर दीजिए। और इस तरीके से इसको छाया में रखना है अभी 8 दिनों के लिए, 8 दिन में ही ये ग्रो हो जाएगी, फिर इसको निकाल कर आप धूप में रख सकते हैं और इसको जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो में।